अगर तुम प्लान कर रहे हो एनआईटी सिलचर में आने के लिए अपने बीटेक कोर्स के लिए तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईटी सिलचर के दो हॉस्टल के बारे में। एक है आर्यभट्टा हॉस्टल और एक है बॉयज हॉस्टल जिसे बीएसके भी कहा जाता है। इन दोनों हॉस्टल के बारे में हम जानने वाले हैं। हॉस्टल का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे यहाँ की मेस है, कैसे यहाँ की वॉशरूम फैसिलिटीज है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर, और मिलते हैं और बातें करते हैं आगे इस वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने हॉस्टल टूर को हॉस्टल गेट के साथ। जैसे आप हॉस्टल गेट से एंट्री करते हैं वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में आपको मिलता है नॉर्थ ब्लॉक की एंट्री। नॉर्थ ब्लॉक की एंट्री से आप यहाँ से ईस्ट ब्लॉक भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में था कि यहाँ पे चार ब्लॉक है टोटल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक की एंट्री और नॉर्थ ब्लॉक से आप ईस्ट ब्लॉक जा सकते हैं। और अगर आप राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड आपको मिलती है वेस्ट ब्लॉक की एंट्री जहाँ से आप साउथ ब्लॉक भी जा सकते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं हॉस्टल को नॉर्थ ब्लॉक वाले गेट से। जैसे इस हॉस्टल को आप नॉर्थ ब्लॉक वाले गेट से एंटर करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में वॉशरूम्स देखने मिलते हैं। अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो स्ट्रेट में आपको मिलते हैं काफी सारे रूम्स नॉर्थ ब्लॉक के, और एक छोटा सा बालकनी टाइप आपको मिल जाता है। और अगर आप राइट साइड मूव करते हो तो राइट साइड के बगल में आपको वार्डन रूम मिलता है। और आप स्ट्रेट चले जाते हो तो आपको मेस हॉल का रास्ता मिल जाता है। मुड़ते हैं मेस की तरफ और जानते हैं मेस की फैसिलिटीज के बारे में। अब हम आ चुके हैं मेस हॉल में। अब जानते हैं मेस हॉल के और डिटेल्स के बारे में। मेस हॉल में आपको दो वाटर कूलर मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दो वॉश बेसिन ये मिलते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इस साइड। और आपको बहुत सारे डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। मेस की क्वालिटी बात करें, मेस की क्वालिटी ठीक है। अगेन घर जैसा खाना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बुरा भी नहीं। आप खा सकते, काफ़ी बार काफ़ी अच्छा खाना भी मिलता है। और संडे को यहाँ पर आपको गुलाब जामुन और फ्रूटी मिलती है एक, और एक हर महीने लास्ट संडे को आपको ग्रैंड पीस मिलता है जहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे आपको रसगुल्ला और फ्रूटी और आइसक्रीम और काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब अमूल कूल भी आपको सब मिलते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलती है और काफ़ी अच्छा होता है उसका टेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं मेस की और काफ़ी अच्छा है इन जनरल। और एवरेज आप अपना पूरा साल बिता सकते हो इधर मेस हॉल के। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड से आपको ईस्ट ब्लॉक मिलता है, और वही अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में अगेन आपको वेस्ट ब्लॉक मिलता है। आगे और पीछे जाए तो आपको नॉर्थ ब्लॉक से जहाँ से हमने अपना एंट्री दिया है। चलिए अब जाते हैं ऊपर। और ऊपर जाने से पहले एक चीज़ जो आपको मुझे बताया थी कि यहाँ पे जो मेस है वो दो चीज़ों दो फ्लोर में डिवाइडेड है। जो आपको ग्राउंड फ्लोर में जो मेस मिलता है वो नॉन वेज में मिलता है, वेर एज अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर मिलेगा वेज मेस। वेज मेस चलिए अब जाते हैं वेज मेस। हम आ चुके हैं वेज मेस में। और वेज मेस की बात करें तो नॉन वेज मेस जैसे ही बस यहाँ पे आपको एक कूलर मिलता है दो कूलर की जगह, और डाइनिंग टेबल आपको कंपेरेटिवली और से कम मिलते हैं। यहाँ पर लकड़ी जैसे यहाँ आप पूरा डाइनिंग टेबल है, बट यहाँ पूरा था कंपेरेटिवली कम है। और वैसे भी यहाँ पे चीज़ें लोग इतने ज़्यादा होते नहीं है, प्लस आपको जो वॉश मशीन है दो वो मिल जाते हैं यहाँ पे भी, और एक मिरर भी आपको मिल जाता है। वैसे यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ है कि जो आप किसी में यहाँ दिख रहा होगा आपको खुर्चियाँ दिख रही होगी, कैप्चर्स आपको दिख रहे होंगे, वो इसलिए देख कि हमें एक टाइम पर टीवी आ करता था, लेकिन टीवी अब चला जा चुका है बिकॉज बीच में जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था वहाँ पे यहाँ पे हादसा हुआ था। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. बट कोई डरने की बात है नहीं, जब आप यहाँ पे आओगे तो अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टीवी वापस लगाने के लिए, आप वापस से टीवी वापस से लग जाएगा। बस एक बात है कि ढंग से नहीं हो तो फिर टीवी भी दिख जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स मेस के बाद में, तो चलिए अब जाते हैं मेन चीज पे, वो है यहाँ की रूम।
जैसे आप रूम में एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं, ये है मेरा रूम और ये है मेरा सेक्शन, जहाँ पे आपको एक टेबल मिलता है, टेबल के साथ आपको एक ड्रॉअर मिलती है, एक चेयर मिलती है और आपको एक लैंप पोल मिलता है, और यहाँ पे साइड में आपको बेड मिल जाती है और उसी के बगल में आपको मिलती है कबर्ड। कबर्ड में आपको चार सेक्शन मिलते हैं और काफी स्पेस मिलती है, आप अपने बैग, सामान, खाने की चीजें, बुक्स और काफी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ऊपर आपको भी जगह मिलता है जहाँ पे आप और बैग, अगर कोई बड़ी बैग हो तो आप वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। उसी के साइड में यहाँ पे है मेरे रूममेट का टेबल और ड्रॉअर, वहाँ पे भी आपको एक लैंप पोर्ट मिलता है, तो टोटल दो लैंप पोर्ट मिलते हैं और उसी के बगल में आपको मिलता है एक बेड। लैंप पोर्ट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, तो लैंप पोर्ट पे आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, आप गूगल सर्च भी करना हो वो भी कर सकते हैं, और वेबसाइट को एक्सेस करना जनरल तो वो कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप जो है, आप मोबाइल पे इसे वाया हॉटस्पॉट नहीं चला सकते, यहाँ पे वो चीज नहीं चलती। एंड ऑब्वियसली कुछ वेबसाइट यहाँ पे ब्लॉक है जो कि आप जानते ही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बात करते हैं हॉस्टल रूम के बारे में, और डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आपको जनरली दो रूम्स के लिए एक कॉमन बालकनी मिलती है। कुछ रूम्स ऐसे भी है जहाँ पे आपको एक सिंगल रूम के लिए सिंगल बालकनी मिलती है, पर जनरली यहाँ पे दो रूम्स को एक बालकनी अलॉट की जाती है। बालकनी में आपको एक ठीक ठाक सा साइज मिल जाता है, आपको सामने काफी अच्छा व्यू मिलता है। ये साउथ और वेस्ट ब्लॉक की तरफ से आपको कैसा व्यू मिलेगा वो आपको दिखा रहा है, साउथ और ईस्ट ब्लॉक की तरफ से सॉरी। और नीचे बालकनी की साइज आपको ठीक ठाक मिलती है, यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। और साउथ और ईस्ट ब्लॉक की केस की बात करते हैं, आपको नीचे आपको ग्राउंड जैसा मिलता है जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो और टेनिस खेल सकते हो, मतलब एक खेले के जगह मिलता है जहाँ की काफी प्लस पॉइंट है और व्यू भी यहाँ पे काफी एक अच्छा सा मिल जाता है। तो ये रहे रूम की पूरी बात है, आप जानते हैं यहाँ के वॉशरूम के बारे में। हर ब्लॉक में, हर फ्लोर पे एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। हर वॉशरूम में आपको पांच टॉयलेट्स जो कि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और पांच बाथरूम जहाँ पे आपको एक शावर, एक हैंगर और एक नल मिल जाता है बेसिन का। सारे साथ वॉशरूम में आपको यहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिल जाती है और तीन या चार वॉश बेसिन आपको मिल जाते हैं, और इसमें यूरिनल्स भी मिल जाता है। वॉशरूम जनरली रोज क्लीन किए जाते हैं और ढंग के होते हैं, कुछ आपको कुछ ही मेंटेनेंस की जरूरत है वही कुछ ढंग से चल जाते हैं, और वॉशरूम बेसिकली ठीक ठाक है, ना कि सरकारी टिपिकल सार्वजनिक शौचालय जैसे हरकत है और ना ही अपने घर जैसे वेल मेंटेन हो वॉशरूम पे, यहाँ पे चीजें वॉशरूम की हमने ठीक ठाक ही है। तो ये तो रही वॉशरूम की बात है, और बात करें यहाँ पे लॉन्ड्री की, तो यहाँ पे एक प्राइवेट लॉन्ड्री फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आपको एक कपड़े धोने के लिए अभी की एज ऑफ नाउ 2023 के भाव की बात करें तो यहाँ पे ₹10 लगते हैं एक कपड़े धोने के, उसके साथ उसका प्रेस भी होता है। सिर्फ प्रेस करना हो तो आपको यहाँ पे ₹8 लगते हैं। आपको इजी वॉश करना हो कुछ स्वेटर जैसी चीज़ हो, कोई ब्लैंकेट हो डेलिकेट, तो वहाँ पे इजी वॉश का एक अलग कैटेगरी है, उसके लिए आपको ₹30 चार्ज करते हैं। और जो लॉन्ड्री वाले भैया आपको ग्राउंड फ्लोर में मिलते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप वहाँ पर उनके कपड़े दे सकते हैं, और कपड़े जो आपको डे आफ्टर टुमारो मिल जाते हैं। चलो, और ये तो रही लॉन्ड्री की बात है, और लॉन्ड्री की बात अगर बात करें तो हॉस्टल में अगर कोई आपको लाइब्रेरी टेनिस को मिलता है जहाँ पे आपको मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी और फैसिलिटी मिलती है जो कि आप एनआईटी सिल्चर की वेबसाइट से भी जान सकते हैं। के बारे में बात है, अब जाते हैं अपने दूसरे हॉस्टल जो कि फर्स्ट ईयर वो जो बॉयज़ को अलॉट होती है वो है बॉयज़ हॉस्टल, जिसे BH3 भी कहा जाता है। BH3 में आपको काफ़ी सिमिलर फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर बस आपको एक चीज़ आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जनरली सिंगल रूम मिलते हैं, एक हाथ तो आपको डबल रूम मिल जाते हैं, जनरली यहाँ पे आपको सिंगल रूम मिलते हैं। ये कंपेरेटिवली पुराना हॉस्टल है, पर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि आपको एक इन पे कैंटीन मिल जाती है, रात को आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से कैंटीन से डायरेक्ट ले सकते हैं। वैसे आर्यभट्टा हॉस्टल की आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा कोई खान पान चीज़ें के लाने के लिए, और फैसिलिटीज़ यहाँ पे वॉशरूम की आते हैं, वॉशरूम थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्वालिटी में डिग्रेड है कम्पेयर टू आर्यभट्टा हॉस्टल। रूम्स की बारे में बात करें तो रूम जैसे आपको सिंगल रूम मिलता है, यहाँ पर आपको सिंगल बेड मिलता है, कवर मिलता है, टेबल मिलता है और चेयर मिलता है जो कि आपको आर्यभट्टा हॉस्टल में देखा था। बस आर्यभट्टा हॉस्टल में दो जन रहते थे, दो दो चीज़ें मिलती थी, दो चेयर मिलती थी, दो टेबल मिलते थे, यहाँ पर एक जन से एक टेबल और एक चेयर सारी चीज़ें मिलती है। मेस का खाना भी यहाँ पर आर्यभट्टा हॉस्टल जैसा ही है। तो कैसा लगा आपको ये हॉस्टल टूर? उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगी। पसंद आए तो भैया लाइक ज़रूर करना, कुछ कमेंट्स हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ फीडबैक्स हो, ज़रूर आप उसके कमेंट सेक्शन में डालना। और जो भी दोस्त आपके जो भी है जो NIT सेंटर आ जाते हैं, जाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल कैसे मिलेंगे, आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, काफ़ी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।